हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर के बारे में। एक ऐसा थर्मोमीटर जो बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही से बता सकता है। और जैसा कि बता दूँ कि ये थर्मोमीटर है, और आपने देखा होगा कि अब बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी एक थर्मोमीटर यूज़ किया करता है जिसमें मर्करी यूज होता है थर्मोमीटर में। उससे क्या करता है, आपको यहाँ पे जीभ के पास नीचे या यहाँ पे वो टच करके आपका टेम्परेचर बताता है फारेनहाइट में। और हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेम्परेचर गन के बारे में जो जिसकी मदद से, जिसे आप फारनेस से वहाँ पे आप हाई टेम्परेचर के लिए आप इस इंस्ट्रूमेंट यूज करके, इस डिवाइस यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। सपोज करिए कि फारनेस है, बॉयलर है, उसका टेम्परेचर पता करना हो कैसे करेंगे आप? टच तो करेंगे नहीं। आग जल रही हो उसका टेम्परेचर पता करना हो कैसे करेंगे? कोई चीज़ बहुत हीट में है उसका टेम्परेचर पता करने के लिए आपको पता है कि टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, स्किन आपकी जल जाएगी, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो वो थर्मोमीटर है इस टाइप का है, ये वही थर्मोमीटर है, इसको बोलते हैं हम नॉन कॉन्टेक्ट टाइप थर्मोमीटर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेजर यूज किया जा रहा है, ये टारगेटिंग लेजर है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेना हो तो ये बता देता है कि कहाँ किस स्पेस का ये टेम्परेचर बता रहा है। अगर हम यहाँ पर करें हाथों पर, तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ पर जो रेड लेजर है वो वहीं का एक टेम्परेचर बता रहा है। और आप देखिए, और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए मैं दबाया तो यार 34 पॉइंट समथिंग बता रहा है टेम्परेचर। और ये जब दोनों मिल जाता है तो वो फोकल पॉइंट बोलते हैं उसको, जितने डिस्टेंस पर ये मिल जाता है आपस में, जैसे वहाँ पर देखिए मिल चुका है, यहाँ पर मिल गया दोनों ना, यहाँ दो लेजर है, देखिए यहाँ दो लेजर है, जब दोनों मिल जाता है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। और इस इंस्ट्रूमेंट का फोकल पॉइंट है लगभग 32 इंच। तो ये कैसे काम करता है, मैं तो पहले आपको बता दिया कि इसमें सिंपल रिचार्जेबल बैटरी है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन है, यहाँ पर TFT स्क्रीन बोलेंगे, 4 बटन हैं। और इस सामने बात करें तो एक ये आपका स्कैनर है, ये है इसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्कैनर, क्योंकि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और जिस प्लेस का टेम्परेचर लेता है वहाँ से इंफ्रारेड निकल के आती है और ये स्कैन करता है, उसका टेम्परेचर बताता है। ये जो बगल में आप दो लाइट देख रहे हैं, देख सकते हैं मेरे हाथों पे भी लाइट है, ये लेजर है, ये सिर्फ फोकस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं फेस में ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन है, और सिंपल मोबाइल ऑपरेटेड है ये चीज़ें, 4 बटन है। एक यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि आप कंप्लीट वीडियो भी बना सकते हैं। सपोज करिए कि हमको एक ट्रेन है जिसके बहुत सारे एक्सल्स हैं और टेम्परेचर हमको लेना है, तो हम जाएंगे और एक्सल पर इसको प्रेस करेंगे, टेम्परेचर लेगा, फिर आगे बढ़ेंगे एक्सल पर लेंगे टेम्परेचर लेगा, और रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग जब कर देंगे ऑप्शन को तो ये रिकॉर्ड कर लेगा, पूरा वीडियो बढ़ के आपके पास आ जाएगी। तो ये एक ब्रीफ है, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कैसे काम करता है। तो ये काम करता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इंफ्रारेड क्या है, एक्चुअली सनलाइट हमारे पास है ना, इसमें बहुत सारे रेज का स्पेक्ट्रम है, जैसे आपने देखा होगा विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, और माइक्रोवेव है, रेडियो वेव, बहुत सारे रेज हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। तो उस सनलाइट में एक वेवलेंथ होता है इंफ्रारेड, एक रेज है इंफ्रारेड, उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है लगभग आप देख सकते हैं 300 GHz टू 400 THz होता है। वेवलेंथ की बात करें तो 750 नैनोमीटर से लेकर 1 mm तक की वेवलेंथ होती है, क्योंकि एक रेंज होता है इंफ्रारेड का। और आप देख सकते हैं कि जो इसका स्पेक्ट्रम है, और ये स्पेक्ट्रम जब हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ये इंफ्रारेड का पोजीशन कहाँ आता है, जब हम पूरा ग्राफ बनाते हैं सनलाइट का, ये विजिबल लाइट है जिसमें 7 तरह के लाइट का जिक्र किया जाता है, बिग ब्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ से क्या होती है, जब वायलेट से हम रेड तक बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। और इसके बगल में इंफ्रा जो रेंज होती है, इसके बाद जो रेंज आती है इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब जो रेड है जिस बगल में है वो। और यहाँ पर वायलेट के बगल में जो रेंज आता है, जो स्पेक्ट्रम आता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, कोई चीज़ का अल्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा, अल्ट्रा वायलेट मतलब कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इंफ्रा कम है, फ्रिक्वेंसी कम है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो इंफ्रारेड डिटेक्ट करती है। और जो स्पीड होती है, आपको पता है कि इंफ्रारेड की जो स्पीड होगी रेडिएशन की, वो लाइट की स्पीड बराबर है,
लाइट की स्पीड के बराबर है, और वो जब हम इसको फोकल करते हैं और ये हम ट्रिगर करते हैं तो वहाँ से उस पॉइंट से बहुत सारे जाती है, उसमें से इंफ्रारेड आती है और ये स्कैन करके आपको टेम्परेचर बता देता है। और ये बात है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है इस डिवाइस में, एक वर्ड आता है डिस्टेंस इज टू स्पॉट। ये क्या है? देखिए सबका अलग अलग रेंज है। जब आप क्या करते हैं, जब टार्च जलाते हैं तो आप देखते होंगे टार्च जब हम जलाते हैं तो उसकी लाइट डाइवर्ट करती है, उसकी लाइट डाइवर्जेंट वे में फैलती है। वैसे ही जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है वो फैल जाती है। तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या सही सही किसी पॉइंट का कितना डिस्टेंस सही बता सकता है? इसका जो फोकल पॉइंट है वो है 32 इंच और इसका डिस्टेंस जो है 50:1। वन स्पॉट है, एक सर्किल मान लीजिए, सर्किल है वहाँ पर वन यूनिट का, तो 50 mm डिस्टेंस पर 50 mm की बात करें तो 50 मान लीजिए जितना है, 50 mm मान लीजिए जितना है तो 50 mm डिस्टेंस पर, 50 mm डिस्टेंस पर जो सर्किल बनेगा जो वो होगा 1 mm का, वहाँ 1 mm डिस्टेंस का ये एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगा। और आप देख सकते हैं ये गन इस तरह से काम करता है, जो लेजर पॉइंट है ये इस तरह से किसको काटते हैं, इसे बोलते हैं फोकल पॉइंट। अलग अलग गन के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। जो ये स्कैनर जो है, देखिए मैं डॉटेड किया इधर है, जब किसी सब्जेक्ट से आएगी है तो इस तरह से आएगी, और जैसे हम इस इंस्ट्रूमेंट का जो फेस है इससे हम आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं स्पॉट का एरिया बढ़ता जाएगा, एग्जैक्ट इसका है डिस्टेंस इज टू स्पॉट। अच्छा, इसमें एक प्रॉप भी दिया हुआ है, इस प्रॉप की मदद से मान लीजिए सपोज कीजिए कोई पाइप है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और ये पाइप घुमादार है, तो ये क्योंकि हम फोकस इससे लेंगे तो जब, क्योंकि वो पता है कि ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। सपोज कीजिए एक ऐसे जगह से हमको टेम्परेचर पता करना है जहाँ पे ये स्ट्रेट रेज नहीं आ पाएगी, नहीं लेजर जा पाएगा, नहीं से इधर से इंफ्रारेड आ पाएगी, तो उस केस के लिए यहाँ पे एक प्रॉप का भी प्रावधान है, इसको आप खोल सकते हैं। मान लीजिए हमने खोल दिया, लंबा हो जाएगा, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे और जब हम प्रॉप को जो है उसमें ले जाएंगे, के टाइप है इसको बोलते हैं, के टाइप, हम इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा आपको, इसको बोलते हैं के टाइप, टाइप के टेम्परेचर मेजरमेंट इसको बोलते हैं। ये प्रॉप है, अब इसको हम लंबा करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता करना उसको टच कराएंगे, क्योंकि ये टच करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा तभी टेम्परेचर बता देगा, और इसके बाद हम अपने आप ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा कि हम इसका जब प्रॉप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसको ये रीड कर लेगा, ये मशीन समझ जाएगा कि प्रॉप लगा हुआ है। अब प्रॉप का टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट है, कुछ सेटिंग्स इसमें है, वो मैं सेटिंग्स आपको बता दूँ थोड़ा सा, समझ जाइए कि अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको हम जब दबा देंगे तो वीडियो मोड आ जाएगा, ये वीडियो मोड आएगा। देखिए ये कह रहा है कि मेमोरी फुल है, अभी तो मेमोरी फुल है एक्चुअली, फिर इसमें वो भी होता है, आपको बता दें कि मेमोरी भी होती है इसमें, यहाँ पर देखिए मेमोरी लगा हुआ है, जब भी लगभग 4 GB की मेमोरी है इसमें, 4 GB तक वीडियो इसमें बना कर डाल सकते हैं, मतलब समझ करें कि ट्रेनिंग है, ट्रेन बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो अपने स्टाफ भेजा अपना और वहाँ पे कहा कि भाई टेम्परेचर लो और वीडियो भी बनाते जाना, तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, वो पहले एक्सेल पे जाएगा, यहाँ प्रेस करेगा पहले एक्सेल पे जाएगा और प्रेस करेगा टेम्परेचर लेगा, फिर दूसरे पे जाएगा उसका टेम्परेचर लेगा, ऐसे करके कंप्लीट ट्रेन का वीडियो बन जाएगा आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब मेमोरी कार्ड को अपने कंप्यूटर में डालेंगे कोई एक्स्ट्रा चीज बन के आ जाती है। और कुछ वर्ड्स होते हैं इमेसिविटी की भी इसमें सेटिंग करनी होती है। सपोज करिए कि हम लकड़ी का टेम्परेचर लेना चाहते हैं, पत्थर का लेना चाहते हैं, मिट्टी का लेना चाहते हैं या आयरन का लेना चाहते हैं, तो सबका अलग अलग इमेसिविटी होती है। इमेसिविटी बेसिकली क्या है कि इमिशन पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इमेसिविटी एक इमिशन पावर है ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट, ठीक है, तो सबसे पता है कि ब्लैक बॉडी की सबसे ज़्यादा होती है, उसके उससे ही कंपेयर करते हैं, ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं। इसमें सेटिंग होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का लेना है और आप इमिसिविटी सेट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और नहीं सेट करते हैं तो बहुत ही माइनर फर्क होता है। एक्चुअली लैब वगैरह में इमिसिविटी वेट करके ही हम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन अगर जनरल यूज़ कर लिए हैं ज़्यादा फर्क नहीं आता आपका। तो थोड़ा सा बता दूँ इस मशीन के बारे में आपको, इस मशीन की पार्टिकुलर बात करें तो 2.2 इंच का TFT LCD डिस्प्ले है, इसका जो कैमरा है उसका पिक्सल है 240x480, माइक्रो एच कार्ड आपको पता है इसमें लगा हुआ है, आपको दिखाया था माइक्रो एच कार्ड लगा हुआ है। इमेज और वीडियो बनते हैं, इमेज बनते हैं JPG में, वीडियो बनते हैं AVI में, ह्यूमिडिटी एंड एयर टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर ले सकता है, ड्यूअल लेजर टारगेटिंग बोलते हैं ये भी है इसमें,
टाइप के इसमें थर्मोकपल प्रोब यूज किया जाता है। ये थर्मोकपल के टाइप यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां पे आप डाल के टेम्परेचर ले सकते हैं। हाई एक्यूरेसी है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है इसका। और बता दूं कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है जो इम्पोर्टेंट है, ये -50 डिग्री से लेकर 1850 डिग्री तक का टेम्परेचर ये पता कर सकते हैं आप। इसे -50 डिग्री से लेकर लगभग 1850 डिग्री का टेम्परेचर इसे पता कर सकते हैं। और इसका डिस्टेंस इज टू स्पॉट 50:1 है और रिस्पॉन्स टाइम 150 माइक्रोसेकेंड है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं, इमिसिविटी आप 0.1 से लेकर 1 तक यूज कर सकते हैं इसमें, और काफ़ी है। और इसमें भी कोई आपको क्वेश्चन करना तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। और इस वीडियो में आप कोई भी चीज़ जानने की इच्छा हो या कोई चीज़ हो सकता है आपके माइंड में कोई क्रिएटिविटी आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, नीचे जाइए कमेंट करिए, हमें हम आपको रिप्लाई करेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट में कि चेक किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नीचे जाइए इस लिखा हुआ रेड में सब्सक्राइब कर क्लिक करिए, घंटी बजाइए ताकि मेरे वीडियो सारे आपको सबसे पहले मिले।